राजनाथ जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने हेतु लगातार एक्शन मोड में है। 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बागडोर संभालने के बाद से ही प्रदेश भर में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी है, जिसका नतीजा है कि भाजपा सरकार के शासन में 8000 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 145 से अधिक अपराधी मारे गए। वहीं गैंगस्टर अधिनियम के तहत 13000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 43000 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 630 से अधिक लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की स्थिति ये है कि पिछले 45 दिनों में आगरा पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं कुछ दिन पहले ही शामली में 4 आरोपियों ने खुद थाने में जाकर सरेंडर किया है। आज अपराधियों में कानून का डर है, क्योंकि तमाम गैंगस्टरों और माफियाओं के काले साम्राज्य पर भाजपा सरकार लगातार चोट कर रही है। उनकी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 1800 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में ये एक अभूतपूर्व कार्य है। भाजपा सरकार में आज प्रदेशवासी भयमुक्त जीवन जी रहे हैं और प्रदेश खुशहाली और तरक्की की राह पर है। भाजपा सरकार के ऐसे सफलतम प्रयासों के कारण ही आज हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर हैं। भाजपा है तो भरोसा है।